हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो बच्चों, आपका फिनिश हो चुका है चैप्टर नंबर थर्ड, और हमने इसमें इससे पहले की जो वीडियो है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे बच्चों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को, ये जो मैंने पहले कराए हैं इस वीडियो के अंदर, ओके, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये वाले, ओके, और ये वाले क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ आपको। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिए होंगे साइंस के रजिस्टर में। आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स? तो बेटा, टू टाइप्स के जो फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेटा, टू टाइप के फाइबर्स यानी एक तो नेचुरल फाइबर होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं बताओ? सिंथेटिक फाइबर्स। यस, तो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप इन ऑफ फाइबर्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स भी हमें बताने हैं। नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कॉटन है, ठीक है, और जूट है, फ्लैक्स है ना, नेचुरल के बजाय सिंथेटिक में। अब देखो, मैं आपके क्वेश्चन ये बता देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। देखिए, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो यहाँ से आप लगा लेना है इसको, ठीक है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ओके। अब नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स में देखो ये लिख देना, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स के जो एग्जांपल्स आप जब आप लिखो तो देखो ये लिख रहे, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ये वाले है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आप लिख लोगे, ओके, दोनों के नाम लिखने, डेफिनेशन नहीं पूछी है उसने, केवल टाइप्स पूछे हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना, बाकी आगे मिल जाएगा ये, तो डिटेल में वहाँ लिख लेंगे इसको। चलो, है ना, ये दो नाम लिखने और एग्जांपल्स लिखने ये वाले जो मैंने अंडरलाइन किया। तो ये वाला हो गया हमारा शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला है बेटा, व्हाट इज गिनिंग? गिनिंग क्या होता है, हाउ इज इट डन, और ये कैसे किया जाता है? तो गिनिंग का अर्थ होता है बेटा ये रहा, जो कॉटन होता है ना, कॉटन बॉल्स में जो सीड्स होते हैं उनको अलग करने का जो तरीका होता है, देखो ये रहा, ये कॉटन के जो होते हैं इनमें सीड्स होते हैं, इनको अलग किया जाता है, इसी को गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके, तो देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा, द कॉटन फाइबर्स, देखो यहाँ से लिखें, द कॉटन फाइबर्स पिक्ड फ्रॉम द फील्ड्स हैव कॉटन सीड्स इन दैम। तो जो खेतों से जो कॉटन के फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स होते हैं उसमें सीड्स लगे होते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दिस सीड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग। और गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई द हैंड्स यूजिंग अ कॉम्ब लाइक डिवाइस। तो बस इसमें ये पूछ रहा है कि गिनिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हो, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो, ओके, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ओके, स्टेट द वेरियस यूजेस ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो बेटा कॉटन फाइबर के यूजेस कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं कॉटन फाइबर्स, ये कॉटन है ना, कॉटन है, इसके यूजेस देख लेते हैं, कॉटन में मिलेगा इसके यूजेस। तो देखिए ये रहा, दीज फैब्रिक्स देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने के, ड्रेस बनाने के, है ना, पिलो, तकिया बनाने के, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, ठीक है, द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स आर ऑल्सो, जो दिए वगैरह होते हैं, दीपक होता है, लैम्प होती है, उसकी जो बत्ती होती है ना, बाती होती है, उसको बनाने के लिए, है ना, कहाँ से लिखते हैं ना, ठीक है, दीज फाइबर्स, दीज फैब्रिक्स आर देन, ठीक है, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, कॉटन फाइबर्स का इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप लिख लेना ये वाली लाइन, कंप्लीट लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी में आंसर मिल जाएगा पूरा, ठीक है, लास्ट वाली लाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
स्टेट द टू टाइप्स इन्वेंटेड इन मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। तो स्टेट टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फ्रॉम फाइबर्ड। तो बेटा फाइबर से जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें दो स्टेप आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो बेटा फाइबर तो रेशे होते हैं, इनसे कपड़ा बनाने के लिए पहले यार्न बनाया जाता है ना? फिर यार्न से क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है ना? तो दो स्टेप बेटा कौन कौन से हैं? तो स्टेप नंबर तो देखो ये रहा फैब्रिक बनाने का, ठीक है। द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। तो एक पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तो दोनों दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया स्पिनिंग, और दूसरा नेटिंग है ना, ये लिखनी है आपको, दोनों लाइन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 19, नेम द डिवाइस यूज फॉर वीविंग यार्न इन टू फैब्रिक। वीविंग वाली जो डिवाइस है बेटा कौन सी होती है, ठीक है? फैब्रिक कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है वो डिवाइस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली मेड बाय वीविंग एंड विच इज़ नेटिंग। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आइटम वीविंग से बनता है। देखो वीविंग में तो क्या होता था कि बहुत सारे जो धागे होते थे उनके दो सेट होते थे, एक तो ऐसे ऐसे करके और दूसरे ऐसे ऐसे करके, इसमें तो वीविंग होता है। निटिंग में क्या होता है बेटा, एक ही धागा होता है उसी से स्वेटर वगैरह बना जाता है ना, है ना, उसको निटिंग कहते हैं, सिंगल थ्रेड चलता है इसमें। तो पहले तो ये पूछ रहा है नेम द डिवाइस यूज फॉर वीविंग, वीविंग के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखो वीविंग वाला ये ना टॉपिक, तो इसमें डिवाइस का नाम पूछा है, तो केवल देखो लूम्स, द वीविंग ऑफ यार्न डन बाई यूजिंग लूम्स, ओके। लूम इज ऑल्सो कॉल्ड करगा इन हिंदी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, हैंड लूम्स एंड पावर लूम्स, ओके। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा, यहाँ से लिख लेना और यहाँ तक, ठीक है, पूरा मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद फिर इसमें बताना। देखो शर्ट है तो बेटा वो तो वीविंग के प्रोसेस से होती है ना, और सॉक्स जो जुर्राब होते हैं बेटा वो उनको बोलते हैं, है ना। साड़ीज में भी वीविंग नहीं होती, साड़ीज में सॉरी वीविंग होती है, स्वेटर में निटिंग होती है, सॉक्स में भी निटिंग होती है ना। जो वेस्ट होती हैं उनमें क्या होता है देखते हैं ज़रा। ये बेटा निटिंग होती है, ठीक है। तो के मतलब निटिंग और डब्ल्यू मतलब वीविंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं उनको क्या नाम बोलते हैं? तो उनका नाम बोलता है बेटा नेचुरल फाइबर्स, ओके। नेचुरल फाइबर लिख देंगे। नेम टू फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड टू फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो बेटा टू फाइबर्स तो ऐसे लिखने जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि वूल है और वो है जूट है, कॉटन है, ठीक है। कोई भी दो लिखने हैं, कॉटन लिख दो, जूट लिख दो, और टू ऐसे जो एनिमल से मिलते हैं जैसे कि सिल्क है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, कीड़ा होता है ना सिल्क, और दूसरा वूल जो ऊन होती है ना, वो भी तो एनिमल से मिलती है, भेड़ की खाल से मिलती है ना, जो शीप होती है उसकी बॉडी पे से उतारी जाती है, लिख दो। कि नेक्स्ट बेटा, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन के लिए किस तरह की जो है सॉइल चाहिए और किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है वो हमें बताना है। तो कॉटन वाले में मिलेगा, तो कॉटन वाला सेक्शन कौन सा है ये रहा हमारा, तो इसमें आपको मिल जाएगा। देखो इसमें किसी होनी चाहिए बेटा, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, आप पूरी लाइन लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। आगे क्या कह रहा है बेटा, नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर द कॉटन इज मेनली ग्रोन।
जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है, दो स्टेट्स के नाम बताने बेटा। तो यहाँ पे इसी में इन इंडिया कॉटन इज मेनली ग्रोन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोई भी दो लिखने हैं, ठीक है। तो आप ही लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक उतार देना। एक दो फालतू लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट टाइप हो गया 23, विद विच फाइबर इज द टर्म गिनिंग एसोसिएटेड। तो बेटा गिनिंग जो है कौन से काम में आती है, कौन से तरह की फाइबर से जुड़ी हुई है, तो बेटा ये है कॉटन। कॉटन फाइबर में तो यूज करी जाती है गिनिंग प्रोसेस। नेम फॉर एनिमल फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेंड, वूल जो पाई मिलती है उनसे उनके नाम लिखने हैं बेटा, ठीक है। जैसे कैमल है, शीप है, गॉट है, रैबिट है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एनिमल से मिलने वाले फाइबर का नाम बताना है। देखो गॉट, हेयर ऑफ गॉट, बकरी के बाल, रैबिट के बाल, याक, कैमल्स और शीप, ये तो पांच हो गई, ठीक है, कोई भी चार लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम थ्री डिवाइसेस फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से बड़ा यार्न बनाने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करी जाती हैं उनके नाम बताने हैं। देखो ये रहा, यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर यूजिंग थ्री डिवाइसेस। एक तो टकली होता है, और ये होता है चरखा, और स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, तीनों के नाम लिखने हैं। ओके, इसमें बेटा दूसरा क्वेश्चन है, नेम टू प्रोसेसेस बाय विच फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न, ठीक है, जिनसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो बेटा एक तो होता है निटिंग, और दूसरा होता है वीविंग, ठीक है, ठीक है। कपड़ा बनाने के दो तरीके होते ही, एक तो वीविंग प्रोसेस होता है और एक निटिंग होता है, ठीक है, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज मीन्ट बाई वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग और निटिंग का क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। तो देखो वीविंग वाला सेक्शन ये है, वीविंग में डेफिनेशन लिखनी है आपको पूरा, और निटिंग प्रोसेस ये है पूरा। बेटा मज़ेदार बात ये है कि ये बुक बहुत अच्छी है, और ये ऐसी बुक है कि अगर आप उसको खुद भी पढ़ोगे ना, तो इसको आपकी लैंग्वेज जो है ना, आपको इसकी लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, बहुत अच्छी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, सिंपल और सरल, ठीक है। तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में सरल भाषा में समझाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इट्स वेरी वेरी गुड बुक। तो बच्चों, हमारे आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो इनको आपको होमवर्क में करना है। ओके, बाकी नीचे के क्वेश्चंस हैं लॉन्ग टाइप, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।